हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ओप्पो मोबाइल के बारे में कि ओप्पो मोबाइल का FRP आप कैसे अनलॉक कर सकते हैं। न्यू मॉडल का जो लेटेस्ट फोन आता है ओप्पो का, उसका FRP आप अनलॉक कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले आप यहाँ पे देख लें इस मोबाइल को, जरा सा मैं आपको ऑन करके यहाँ पे दिखा रहे हैं इस मोबाइल को। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मोबाइल के अंदर में FRP लॉक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था ओप्पो A37F के बारे में कि उसका पैटर्न लॉक कैसे अनलॉक करना है, पैटर्न लॉक कैसे रीड करना है। लेकिन इस मोबाइल में अभी FRP लॉक है। ये ओप्पो A37FW मॉडल है, ठीक है, ये नया मॉडल है। और ये मोबाइल जो है अभी जो है आपको FRP अनलॉक करने में प्रॉब्लम होगा, तो इसका FRP हम अनलॉक करेंगे आज UMT डोंगल से। अगर आप जानना चाहते हैं कि UMT डोंगल से इसका FRP अनलॉक कैसे होगा, तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता, दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नान YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया, इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। ओप्पो A37FW न्यू मॉडल का FRP अनलॉक करने के लिए हमें यहाँ पे QC फायर वाला टूल जो है ओपन करना होगा अपने कंप्यूटर में। चलिए हम अपने QC फायर टूल को यहाँ पे पहले ओपन कर लेते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं कि इसका FRP आपको कैसे अनलॉक करना है और कैसे मोबाइल को बूट कराना है, ठीक है। तो इसका आइडियल मोड आपको कैसे लाना है, इस मोबाइल का जो ओप्पो A37FW है, इस मॉडल का आपको जो आइडियल मोड कैसे लाना है और कैसे इस मोबाइल को अनलॉक करना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ये QC फायर का जो टूल है, ये टूल ओपन हो चुका है। उसके बाद चलिए हम अपने डिवाइस मैनेजर को ओपन करके आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिवाइस मैनेजर हमने ओपन कर लिया है। तो दोस्तों, FRP अनलॉक करने से पहले हमें अपने मोबाइल को बूट कराना होगा। तो मोबाइल को बूट कराने के लिए आपको मोबाइल को पहले ऑफ़ कर देना है पूरी तरह से। मोबाइल जब ऑफ हो जाएगा, उसके बाद वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों को आपको कंटिन्यू दबा के रखना है, सेम टाइम आपको प्रेस करना है वॉल्यूम प्लस माइनस। उसके बाद आपको जो है उसमें डाटा केबल लगाना है, और जैसे आप डाटा केबल लगाएंगे आपके डिवाइस मैनेजर में QD लोडर 9008 यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको रीसेट FRP दे देना है। और जैसे आप रीसेट FRP पे क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल जो यहाँ पे बूट करेगा और आपके मोबाइल का FRP जो है रीसेट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।